मॉर्निंग यू गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिपल कैरी। तो आज मॉर्निंग हो रही है नवाबों के शहर से। येस वी आर इन लखनऊ, वो तो आपको पता ही होगा कल से। और कल रात को जो दबा के खाया हमने, कुछ भी नहीं छोड़ा। एंड आफ्टर दैट सुवान को सुला के हम लोग तो जैसे घोड़ा बेच के सो गए, मतलब कुछ पता ही नहीं कब सोई क्या हुआ। सो आज उठ के हम लोग तैयार हो गए। आज प्लान था सुबह सुबह निकल के वाराणसी जाने का, बट वी कैन नॉट स्किप लखनऊ। तो हम जा रहे हैं अभी इमामबाड़ा एंड पोस्ट दैट वील गो टू भूलभुलैया एंड फिर वाराणसी के लिए निकलेंगे। तो अभी हम लोग लखनऊ की गलियों से जा रहे हैं। ये भूलभुलैया में आते आते सही में खो गए हम लोग। बहुत कंजेस्टेड एरियाज है और गूगल भी गलत बोल रहा था। सो दिस इज गोरा छोटा इमाम बड़ा गेट। हम लोग अभी है क्लॉक टावर के सामने और वो रही बड़ा इमाम बड़ा भूलभुलैया। तो मोस्ट प्रॉब्ली वी विल जस्ट स्टिक टू भूलभुलैया, छोटा इमाम बड़ा दूर से देख ले रहे। स्टुवान इज हैविंग हिज लंच। स्टुवान का लंच हो गया बिकॉज खिचड़ी ठंडी हो जाती है, तो मैंने वो जगा हुआ था तो अभी खिला दिया। एंड देन ही इज हैविंग अ नाइस वॉक और बहुत बढ़िया हवा चल रही है, बिल्कुल धूप नहीं लग रहा। तीन दरवाजे चार किलो, अभी जब आप उधर से देखेंगे तो बंद गेट बंद किलो। आपने गदर मूवी देखी थी? हाँ। तो हम लोग ने अभी गाड़ी पार्क किया उधर बड़ा इमामबाड़ा के सामने एंड एक टोटो लिए। इधर जितना बिल्डिंग्स है वो दिखा देंगे एंड देन वी विल गो इनसाइड बड़ा इमामबाड़ा। बढ़िया गैलरी था, इतना मैजिकल सारे पेंटिंग्स थे, सब 150 साल पुराने, कि आप जिधर मूव कर रहे हो कोई पूरा आपके साथ चल रहा है, किसी की आंखें मूव कर रही है, किसी का जूते मूव कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया था और हिस्ट्री भी बताया। यू आर नॉट अलाउड टू टेक पिक्चर्स और वीडियोस इनसाइड, सो इसीलिए खींच नहीं पाए बाहर आके बोला। अपनी बेगम के लिए चांद देखने के लिए बनवा रहे थे, उनको बनाना था सात माले का खंड। सात खंड माने सेवन स्लैम फ्लोर का बना था, बट फोर्थ फ्लोर होने तक उनकी बेटी का देहांत हो गया, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत मनहूस है मेरे लिए, इसलिए वो वहीं पे छोड़ दिया। दिस इज द मार्केट। ये एक चिकन फैक्ट्री है, यहाँ पे सब प्रोजेक्ट है जो पहले छपाई होती है। भाई आप देखिए इधर पहले दिखा के, ये सामने देखे ऊपर एक चिकन यहाँ पे है, वहाँ पे सब मास्टर लोग कटिंग कर रहे हैं। वो देखे कपड़ा सामने दिख रहा है, उसकी हाथ सिलाई होने के बाद ऐसे लकड़ी की डिजाइनों की छपाई होती है। आइए देखिए आप भी समझिए। कंगन घाट का 32 तारों से चिकन तैयार। तो सुवान के लिए ये वाला ले लिया। ये है लखनऊ चिकन फैक्ट्री, चिकन फैक्ट्री। उठेगा यहाँ बनता है, अभी जहाँ गए होंगे वहाँ बनता नहीं होगा। अभी लेके कहाँ ले गया था? पीछे सब हाथ से बनता है। देखिए हैंडीक्राफ्ट का ही आइटम है पूरा। এটা রুইগুলোকে কেটে দিচ্ছে, দেখো যেগুলো বেরিয়ে আছে এক্সট্রা গুলো কেটে দিচ্ছে। এই এটা দেখো। হ্যাঁ এটা দেখলাম, এসেই চলো আসছি।
तो यहाँ पे हम लोग चिकन कड़ी कुर्ता देख रहे हैं, तो हमने 4 कुर्ते लिए हैं, पापा लोगों के लिए, सप्तशी के लिए और एक मेरे मामा जी के लिए। हाँ तो इधर ले लिए 4 कुर्ती, नहीं 4 कुर्ता कुर्ता, और अभी जा रहे हैं हम लोग वापस। क्या नाम है? घोड़ी का नाम है बुलबुल। बुलबुल इसका सर बिल दी नहीं यारी आपको? हाँ बिल दी नहीं ना, बिल नहीं। चलिए अभी हम टांगा गाड़ी में उठ गए हैं, तो बुलबुल की गाड़ी, बुलबुल की गाड़ी में उठ गए हैं, तो ये हमको थोड़ा सा घुमाएंगे इधर उधर शहर में और फिर हमें भूलभुलैया के सामने आके उतार देंगे। जब बहुत छोटी थी तो तब हम लखनऊ आए थे मम्मी पापा के साथ, तब हम चढ़े थे और फिर इतने सालों बाद फिर से आप आए और ये भी छोटे में आया है, फिर ये बड़ा हो जाएगा फिर आएगा अपनी बीवी को लेके। जाते वक्त कोई फार्मेसी दिखे तो रुक जाना, डायपर्स खत्म हो रहे हैं अपना कलेक्शन। बड़े इमाम बारे में ना जाना, डांस की वीडियोग्राफी करना सख्त मना है। इस इमारत में आई जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। इमाम बारे की चूहान पे टोपी दे दिया बिकॉज द हीट इज स्कॉर्चिंग हियर। द ब्यूटी ऑफ आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा दे दिया उसको? आपका क्या है? आपका क्या दे दिया? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने अगर पैसे दिए हैं तो मैं चलने के लिए कुछ सुनने के भी दिए हैं, मैं जितने भी घुमा को सुनूंगा और लोग खड़े मन कर चोरी कर बात सुन लिया। आप क्या है, आपके कौन से गली हम निकल नहीं सकते, मगर कुछ देर हमारी कहानी सुनेंगे आपको। सबसे पहले अभी हम भूलभुलैया में घुस चुके हैं, हमारा गाइड नंबर है 12 असलम जी। पिछले गाइड नहीं बताते बोल में, आप जितने स्टेशन देखो हमारे लखनऊ को 4 बार देखिए कि पुराना खेल कैसे ফোন যদি পড়ে যায় না কেন দেখতে পারেন দেখাও তো সামনে কাকে তো কিছু ওইটা বড় মাং বড় সাথে ये तो सच में भूलभुलैया है, कहाँ से निकल रहे कहाँ से उतर रहे पता ही नहीं चल रहा। ये हम एकदम छत पे आ चुके हैं, यहाँ से तो पूरा लखनऊ दिख रहा है। वो है हमारे गाइड जी असलम भैया, 12 नंबर। यहाँ पे फोटो खींच के अभी नीचे उतरना है, थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिया है उसको, बंद जगह पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये मैंने उसका कार में भी नोटिस किया है, जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, जब हम 3 रहते हैं ऐसे स्पेशियस रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो ही डजंट लाइक इट, तो वही चीज़ अभी भी हो रहा है।
अंदर चैनल गेट है ना, उसमें थोड़ा पानी दिख रहा आपको कीचड़ टाइप का काला, हम आपको अंदर ले जा रहे हैं। तो जो बाहर गेट पे लोग आ रहे हैं उन सबका फोटो हम पानी में दिखाएंगे अंदर, कलर टीवी की तरह रंगीन। यहाँ नहीं दिख रहा, अंदर से आइए, अंदर आते रहेंगे उतना ठंडा है एसी की तरह। वो देखिए ना भैया, लो यहाँ से आके जो नीचे इस समय आपको नहीं देख पा रहा, अभी बाहर आप खड़े थे तो आपको यहाँ कुछ नहीं दिखाता बाहर। ये उस समय का कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, कलर दिख रहा है ना बढ़िया पानी में। अब घूमने आते हैं, अब आप लोग को सलाम करते हैं, सर से कुछ इनाम मिल जाता है चाय पीने का। सो इट इज 2:45, बड़ा इमाम बड़ा और भूल भुलैया हो गया, घूमना जल महल भी घूम लिया। तो अभी बनारस तो जाएंगे, पर बनारस जाने से पहले अनिंदिता का अमीनाबाद में जाना है, तो चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अमीनाबाद, और अभी लखनऊ का एक्चुअल ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। रोड्स आर गेटिंग नैरोअर, एंड मुझे अभी सुमित की याद आ रही है, उसने बोला था कि टूटने का भाभी मत जाना, फंस जाएगा। अभी तो रोड्स पे थे, अभी गली में घुस गए टूटने का भाभी जाने के लिए। गूगल मैप्स पे ना चार ऑप्शन होने चाहिए, एक जैसे वो वॉक वाला होता है, फिर होता है बस वाला, फिर होता है कार वाला, और एक बाइक वाला होता है ना, एक बिगर कार वाला होना चाहिए। एक क्रॉल वाला भी होना चाहिए एक बिगर कार, क्योंकि गूगल हमेशा मुझे क्रॉल वाला ही दिखाता है। छोटे कार जा सकते हैं। The one is having puffed rice and milk now. Station is on the right. And जायका पीछे है, जहाँ से कल ऑर्डर किए थे, टुंडे से भी ऑर्डर किए थे पर वो कैंसिल हो गया। बट फाइनली टुंडे कबाबी, और हम लोग खा पाएंगे टुंडे से। ये एक बड़ा मिस हो जाता अगर नहीं खाते इधर से, तो इसीलिए बोले कि चलो ले ही लेते हैं। गाड़ी पार्किंग का तो इशू होगा, देखते हैं। है कश्मीर गए तो अच्छा था कि इधर ही पार्किंग मिल गया। सो यार राइट बिसाइड टुंडे कबाब ऑर्डर दे दिए, एंड आज तो खा नहीं पाऊंगा, आज मेरा वेज है, तो अनिंदिता विल हैव ऑल द फन। लखनऊ ट्रैफिक इन ऑल इट्स ग्लोरी, वहाँ टुंडे, और अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स, क्या हो गया ये है चिकन सीख कबाब, इट्स वेरी नाइस। मतलब कई बार होता है ना काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, इट हैज एवरीथिंग इन ऑप्टिमम। ये है मेरी मटन बिरयानी जो कि फैम्प्यूलस है, और ये है सत्यजीत की वेज बिरयानी। सो वी हैव हिट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एंड वी हैव 290 किलोमीटर्स मोर टू गो। So it's 5:45, पूर्वांचल तो छोड़ दिए, अभी still 150 kilometers to go, और हम लोग अभी रूरल यूपी से जा रहे हैं। मिर्जापुर आने वाला है क्या? पता नहीं, देख तो रहा था मैप पे मिर्जापुर समवेयर इस रूट पे प्लॉट हो रहा है। It's 6:51 now and it's 7:31 से 31 आ गए हैं, और बदलापुर मिर्जापुर सब क्रॉस कर रहे हैं। So about to enter Benares. We have entered the holy city of Varanasi. It's very happening, I must say. I never expected Varanasi to be this happening. There are like huge malls, huge shops all around. होटल रिवेरिया ग्रैंड। हम लोग 80 घाट से और 1 किलोमीटर दूर हैं, और अभी तो जैम में फिलहाल अटके हुए हैं।
बहुत सारे होटल्स में कॉल किया लेकिन सब फुल बुक्ड है, कहीं भी रूम नहीं मिल रहा। तो फाइनली एक गेस्ट हाउस देख के रखा है मैंने ऑनलाइन, उसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट काफी अच्छे, 4.7 रिव्यू है उसका। शायद अभी उधर ही जाएंगे देखने को। होटल में जाते टाइम पुलिस ने एक जगह से टर्न कर दिया तो हम लोग होटल तक, मतलब गेस्ट हाउस तक नहीं पहुंच पाए। तो हमने अभी एक जगह पार्किंग की है और फिर गेस्ट हाउस में बात करने जा रहे हैं। होटल देखते देखते हम काफी दूर निकल गए थे और वहां पे बहुत जोर का हॉर्न तेने बहुत जोर से बार्क कर दिया था। तो स्तुवान बहुत जोर से रोने लगा और फिर उसके खाने का भी टाइम हो रहा था। तो फिर मैं स्तुवान को लेके भाग भाग के आई, फिर सप्तशी गए हैं वो बाकी होटल से बात करने। तो हम रुके हैं होटल हाइफा में, हमने बहुत जगह ढूंढा लेकिन सब बुक था। तो फाइनली हम यहीं पे आए हैं और स्तुवान को बहुत भूख लग गई थी और होटल का रेस्टोरेंट अभी बंद हो चुका है। तो हम अभी निकल रहे हैं डिनर की खोज में। कब बनारस पहुंचे थे और कब होटल मिला? रूम बनारस तो पहुंच गए थे 7 बजे और रूम मिला हमको 10 बजे। इट इज दैट बैड एंड दिस इज नियर अस्सी घाट। सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं तो अभी हम खा रहे हैं आलू टिक्की चाट और पनीर बर्गर बोला है और पाव भाजी बोला है इस भैया के स्टॉल में। तो हमारी आलू टिक्कियाँ ख़त्म हो गई, ये पनीर बर्गर है और ये पाव भाजी है। तो हम लोग आ गए हैं अस्सी घाट में। घाट बहुत ही सुंदर लग रहा है और अभी रात के कितना 11 बज चुका है लेकिन फिर भी क्राउडेड है, मतलब हल्का क्राउडेड, नाइस क्राउड जो पसंद आए। एंड दिस इज गंगा महल घाट। किसी चीज़ का शूटिंग चल रहा है, पता नहीं कौन है, क्या है, मूवी है या सीरीज है, पर कुछ तो चल रहा है। आप 80 घाट से वॉक करके करते काफ़ी सारे घाट्स कवर कर सकते हो। यहाँ पे बंगाली एक्ट्रेस श्रावंती शूट कर रही है। यहाँ पे एक छोटा सा बोट है। तो हम लोग वॉक कर रहे हैं, इट्स 11:30। सप्तशी आर यू एंजॉयिंग? सुमित ने तो बोला था कि काफी सारा घाट कनेक्टेड है। ये जानकी घाट है। यहाँ पे भैया जी पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर हिंदी मेकिंग है। ऑपोजिट साइड से कुछ दिख रहा था तो मुझे लगा क्या है। दीज आर एक्चुअली टेंट्स। इट्स 12:15 नाउ। हम लोग अभी ये फूड स्ट्रीट वाले घाट पे आ चुके हैं। बनारस की फेमस कुल्हड़ वाली लस्सी जिसमें मलाई और ड्राई फ्रूट्स भी दिया होता है और वो इतना थिक होता है कि आपको स्पून से खाना होता है। और ये 80 घाट के पास में जो फूड स्ट्रीट है वहाँ की लस्सी है। और ये है ठंडाई जो आधी ग्लास खत्म हो चुकी है क्योंकि हम सब टूट पड़े थे उस पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा घूमने वाले हैं एंड देन होटल तो 5 मिनट दूरी है, फिर हम लोग होटल चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ट्रिपल कैरी। बाय।